हाँ आदमी भाग रहे हैं, अब ये फायर हो रहे हैं वहां से। हाँ वो बेचारा पीछे से आगे वहां पे छुपा है, उसकी मौत लिखी हुई थी देखो ना पहले, पीछे गाड़ी में पीछे गया, हालांकि वो पॉइंट के पीछे बैठ गया बेचारा। जी अस्सलाम वालेकुम। वो रोड़ा नहीं रख भूले आगे जी, वो फायर करिए बंदे, चार पाँच छः बंदे जख्मी हुई है, मरिया पंखा ऊपर ये रोड़ा पास में। हाँ उन्हें ना आपस ही जब भूले तो एक बेचारा आसे में तेज मारा ना सब पॉइंट आता वो उसने लगी है हाँ बेपाव पूरे अधूरा पड़ा नहीं लेकिन ग्राम में लगने तो पाम बांध के देना आसे हैं कि जाता है हाँ वही है ना। मैं आप बंदी क्यों है आप बंदी बना सकते बाहर एकदम पहले शुरू ही है और तुम्हें कटी जमे आप गधे नशा अंदर गधे सारे नशाई अंदर बड़े मशीन बन गई थी। ये सनावे का बस पहला ऐसा वकूआ है ना, ये गुज़श्ता रोज़ जो सना शहर सनावा में फायरिंग का तबादला हुआ था कि दो ग्रुपों में आपस में, तो एक राहगीर बेकसूर वफात पा गया था। ये नौजवानों से मेन इंतज़ामिया से हम ये पूछना चाहते हैं कि इनके पास असला कहाँ से आया, क्या असला इतना आसानी से मिल जाता है, इन असले की रोकथाम के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। फायरिंग की वजह से पांच अफराद शदीद जख्मी, ये देखिए राणा साहब जी आप फायरिंग जैसे कोई भागदौड़ हो गई है, फायरिंग की वजह से पांच अफराद शदीद जख्मी हो गए थे जिसमें एक वफात पा गया था, दो की हालत तफ्तीशनाक है, दो के निश्तर अस्पताल में। ये देखिए कैसे जान बचा कर सब भाग रहे हैं, कोई गाड़ियों में पीछे बैठ रहे हैं, कोई उधर बैठ रहे हैं। हम दुआ ये कर रहे हैं कि किसी एक पंप की जो होता है पेंट वहाँ पर कोई फायरिंग गोली नहीं लगी, अगर गोली लग जाती तो शहर कम अज कम पूरा शहर आदत है शहर पास हो सकता था। क्या कहते भाग दौड़ कर हर कोई आप अपनी जान पड़ गई थी। ये वीडियो देख रहे हैं आप शासनामा में दो ग्रुप में जो गुज़श्ता रात ईद की रात यहाँ भी होगा बंदा ये भागने शुरू हो गए लोग, यहाँ भी आएगा बंदा ये देखना काफी दूर ठहरा हुआ यार वहां से, वो वहां से फायर करता हुआ आएगा, ये फायर हो गया, ये आप देखना यहाँ से ये लोग भाग रहे हैं भाग। ये फायर निकल रहा है ना, ये देख रहे हैं हाँ। इस बंदे को मारा है, इसको एक नहीं लगा जाएगा, इसके पैरों में लगे तो अकेले था ना, हमने तो मैं अंदर बैठा हुआ था अकेले ही था, फायरिंग इतने रोड पे इतनी ट्रांसपोर्ट की पता है चला गया है भाग गया वो। एक दोस्त साहब जो ईद के चांद रात को शहर सनावा में वकूआ हुआ था दो ग्रुप में फायरिंग का, तो उस फायरिंग में एक नौजवान वफात पा गया था, ये अभी देख रहे हैं फोटो में, वो अपनी जान बचा कर नीचे ये बैठ गया था, वो राणा सर्कलों के नीचे ये देख नीचे बैठ गया था अपनी जान बचाने के लिए, मगर गोली तो फिर भी गोली नीचे गई, गोली वो वहाँ पर लगा हुआ उसको टच कर दी, जो कुलाची था उसको अच्छा। फायरिंग भी जैसे अनजान बंद बच्चे थे नौजवान थे, इन्होंने देखा कौन आगे आ रहा अंधाधुंध फायरिंग कर दी,
बेकसूर सब राहगीर जख्मी हुए, जिसमें आपस में झगड़ा था बहुत, बिल्कुल एक भी नहीं लगता, बिल्कुल आग लग सकती थी, शहर पूरा खतरे में पड़ सकता था। ऐसे लोग देखने आ रहे हैं। अच्छा ये अच्छा फरंग भी जैसे अनजान बच्चे थे, नौजवान थे, इन्होंने देखा कौन आगे आ रहा, अंधा धुन फरंग कर दी, बेकसूर सब राहगीर जख्मी हुए, जिसमें आपस में झगड़ा था बहुत, बिल्कुल एक भी नहीं लगता, बिल्कुल आग लग सकती थी, शहर पूरा खतरे में पड़ सकता था। ऐसे ये लोग देखने आ रहे हैं। अच्छा ये राणा